हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट स्क्रीन लॉक इन Realme C35। Realme C35 में स्क्रीन लॉक कैसे लगाना है, फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाना है, पैटर्न लॉक, फेस लॉक इस फोन में आपको कैसे लगाना है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपको इस फ़ोन की और वीडियो देखनी है हिडन फीचर्स की, तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी इस फ़ोन की। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम इसको स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको जाना होगा सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है सिक्योरिटी, तो इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको यहाँ पर स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर देना है सबसे पहले, और यहाँ से आप कोई एक स्वाइप या पैटर्न नन या फिर पिन या फिर कुछ पासवर्ड डाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पैटर्न डाल लेते हैं। ओके, पैटर्न डाल लेते हैं, एक सिंपल सा पैटर्न डाल लेते हैं। ओके, और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, दोबारा से डालना है और इसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद इसे डन कर देना है यहाँ से। अब यहाँ से आप फिंगरप्रिंट और ऐड करेंगे, तो फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से आपको पैटर्न डाल लेना है, या जो आपने पिन लॉक डाला है वो डाल देना है। तो मैंने पैटर्न डाला था, वो डाल दिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। आपको यहाँ पर अपना फिंगर ऐड करना है अच्छी तरीके से। तो अभी हम अपना फिंगर ऐड कर देते हैं इसमें, इस तरीके से आपको हटा हटा कर अपना ठीक तरीके से फिंगर को इसमें ऐड कर लेना है, टच करना है। तो हमारा फिंगर इसमें ऐड हो चुका है, और यहाँ से इसे डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। अगर आप और फिंगर ऐड करना चाहते हैं तो और भी फिंगरप्रिंट अपना ऐड कर सकते हैं, बट मैं अभी एक ही रखूँगा। यहाँ से बैक करना है। अब आपको फेस लॉक लगाना है, तो फेस अनलॉक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो आपने पैटर्न डाला है या पिन डाला है वो डाल देना है, और इसे मोर पर क्लिक करेंगे, एग्री कर देंगे। अब यहाँ से आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और अपना फेस इनरोल कर लेना है। तो अभी मैं अपना फेस इनरोल कर लेता हूँ इसमें, और मेरा फेस इनरोल हो चुका है यहाँ से, और यहाँ पर आ चुका है डन करने का ऑप्शन, और डन कर दिया है। अब यहाँ से हमारा स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक तीनों लग चुके हैं। बैक चलते हैं, और यहाँ से फ़ोन को लॉक किया और दोबारा से अनलॉक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिंगर से फ़ोन को अनलॉक करते हैं। तो जैसे हमने फिंगर को टच किया, यहाँ पर अभी फ़ोन अनलॉक हो चुका है। और दोबारा से अब हम करेंगे पैटर्न से, तो ये पैटर्न फ़ोन अनलॉक हो चुका है। नेक्स्ट फेस लॉक यूज करेंगे, तो यहाँ पर फेस से ही फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।